हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट तो हम सीख रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और आज के ये पार्ट टू वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे हार्ट की एनाटोमी के बारे में तो यहाँ पे आप टाइटल स्टाइड के अंदर जो देख रहे हैं कि हार्ट की एनाटॉमी का ये स्ट्रक्चर तो ये सब ये स्ट्रक्चर को हमें डिटेल में सीखना है कि हार्ट जो है हमारा वो चार चैम्बर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है कि एक है राइट right साइड का एट्रियम का पोर्शन फिर लेफ्ट साइड का एट्रियम का पोर्शन एज वेल एज राइट साइड का वेंट्रिकल एंड फिर लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल तो इस तरह से हमारे हार्ट के अंदर चार जो है वो अलग अलग चैम्बर है कि एक ये वाला चैम्बर ये दूसरा फिर ये तीसरा और ये चार चैम्बर वही चार चैम्बर्स को सेपरेट करने के लिए एज वेल एज उनकी जो रचना को और सरल बनाने के लिए वहाँ पे आए हैं ये वाल तो एक है ये पल्मोनरी वाल ट्राइकोस्पिड वाल फिर ऑर्टिक वाल और ये मित्राल वाल फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन तो ये सभी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में आगे सीखने वाले हैं ये लेक्चर के अंदर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ए हार्ट तो सीखते हैं आज के लेक्चर में एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स थैंक यू फॉर बीन वन फैमिली ऑफ लेक्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन एप फार्मारॉक्स तभी डाउनलोड करिए फार्मर और एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के पार्ट वन वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं और ये सिस्टम का मेन काम होता है ब्लड को सप्लाई करना कि हमारे जितने भी ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम से सभी को जो ब्लड सप्लाई का, का काम करता है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सिर्फ ब्लड ही नहीं पर ब्लड के साथ साथ जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं साथ साथ ऑक्सीजन होता है ये सभी को हमारे सेल एंड बॉडी सिस्टम की तरफ पहुँचाने का काम करता है और कार्डियोवास्कुलर का मेन जो हमारा ऑर्गन है ये सिस्टम का दैट इज़ ए हार्ट तो ये सब पॉइंट हमने पार्ट वन में सीखा था और जाना था कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के पास अवेलेबल है लार्ज कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स तो कार्डियो सिस्टम के मेन तीन कंपोनेंट एक हार्ट दूसरा ब्लड और तीसरा ब्लड वेसल्स एंड ये सभी मिलाकर एक कंबाइन हमें फंक्शन देते हैं कि वो सर्कुलेट करते हैं और साथों साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स का एमाइनो एसिड्स का इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हॉर्मोन्स एंड हमारे ब्लड सेल्स तो इन्हीं में से हमें आज डिटेल में स्टडी करनी है हार्ट के बारे में बिकॉज ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमें हेल्प करती है न्यूरिसमेंट प्रोवाइड करने में फाइटिंग करवाती है डिसेस के सामने बिकॉज ये सर्कुलेट करते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल क्योंकि जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं साथ ही स्टेबिलाइज करता है हमारा टेम्परेचर पी एंड मेंटेन करता है हीमोस्टेसिस साथ, साथ जब कोई डिसीज होती है और मेडिकेशन जब दिए जाते हैं तो वो मेडिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो होता है कि ड्रग मॉलिक्यूल्स का उसके अंदर भी ये सिस्टम हेल्प करती है तो ह्यूमन हार्ट की जो हमारा नेचुरल पंप है हमारी बॉडी का तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि हार्ट क्या है तो हार्ट हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है कि जैसे हमारे बॉडी के अलग अलग मस्कुलर ऑर्गन्स से उसी तरह से हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है एंड इन मोस्ट एनिमल विच पंप्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट है और ये ब्लड अवेलेबल होता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर तो हार्ट एक ऐसा फिजियोलॉजिकल पंप हम कह सकते हैं एक ऐसा नेचुरल पंप है कि हमारे ब्लड को अलग अलग ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की और जो पंप करने का जो काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दैट इज अवर heart the pump blood carries the oxygen nutrients to the body while carrying the metabolic waste such as carbon dioxide to the lungs तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को लंग्स में ले जाता है कि वहाँ पे हमारे जो लंग्स है वो ऑक्सीजन एंड CO2 का करते हैं एक्सचेंज तो यहाँ पे जो प्राइमरी डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसके अंदर चार चैम्बर यहाँ पे हार्ट के दिखाए है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी देख सकते हैं ये ऑर्टा देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम उसी तरह से लेफ्ट साइड का एट्रियम एंड लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल तो मेन यहाँ पे जो हमें सीखना है हार्ट की एनाटॉमी के अंदर कि किस तरह से ये अपना काम करता है और उसके कुछ ऐसे फैक्ट जानते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि हमारा हार्ट दिन में कितनी बार बीट्स करता है कि जिसको हम कहते हैं दिल की धड़कने तो हमारे जो दिल है हमारा जो हार्ट है उसकी दिन में अप्रोक्सीमेट कितनी धड़कन होती है तो एटलीस्ट वन लैख यहाँ पे जो स्टेटिस्टिक्स आप देख रहे हैं कि हार्ट बीट्स अराउंड वन लैख टाइम्स पर डे मतलब कि एक दिन में हमारे एटलीस्ट एक लाख जितनी दिल की धड़कने होती है सेकंड हम देखें कि जो हमारी बॉडी के अंदर एडल्ट पर्सन के अंदर इतना ब्लड प्रेजेंट होता है किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर चार हजार पांच सौ से लेकर पांच हजार सात सौ एम एल जितना ब्लड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेट होता है एज वेल एज पंप होता है बाय दिस हार्ट एंड पम्प अबाउट फिफ्टी फाइव टू एटी एम एल ऑफ ब्लड विच इच बीट्स फॉर एडल्ट मतलब कि एक जो धड़कन होती है दिल की उसके साथ अराउंड फिफ्टी फाइव से लेकर अस्सी एम एल जितना ब्लड जो है वो पम्प होता है चौथा फैक्ट जाने तो बच्चों के अंदर वो होता है एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव से एट्टी फाइव एम एल और जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर 55 से लेकर 80 एम जितना जो ब्लड है वो पंप करवाता है हार्ट विथ इट्स इच बीट तो ये पॉइंट आप जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ वो खास आपके रिकॉर्ड बुक के अंदर नोट डाउन करना है नेक्स्ट ये समझिए कि नॉर्मल हार्ट बीट्स कितने होते हैं या फिर जो हमारा हार्ट रेट जो हम कहते हैं तो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर द एडल्ट उसकी रेंज रहती है 60 से लेकर बीट्स पर मिनट कि जो आपने देखा होगा कि जो हम बीपीएम जो लिखते हैं कि एक मिनट में आपके कितने बीट्स होते हैं कि बीट्स पर मिनट्स की जो हम बात करते हैं तो एटलीस्ट सिक्सटी से लेकर हंड्रेड बीट्स होते हैं एक मिनट के अंदर किसी हेल्दी पर्सन के एंड हार्ट का जो साउंड है वो है लब डब कि जो हमारा हार्ट है उसका साउंड कैसा होता है कि जब वो अपना प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होता है तो ये वाला जो नॉर्मल साउंड है वो प्रोड्यूस करता है हमारा हाँ, साउंड जो हमारा हार्ट प्रोड्यूस करता है दैट इज़ लब डब तो जो आप सुनते हैं दिल की धड़कने तो ये ऑफिशियली ये साउंड को ये नाम दिया गया है लब डब तो लब डब लब डब लब डब ऐसा जो कंटिन्यूस जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है कि जब दिल की धड़कने आपकी कंप्लीटली नॉर्मल होती है तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए हार्ट हार्ट के क्या फंक्शन है तो चार मेन ऐसे फंक्शन है कि जो हमारा हार्ट परफॉर्म करता है तो ये हो गई हमारे हार्ट की फिजियोलॉजी कि व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट तो यहां पे समझिए फर्स्ट जो है दैट इज पंप करना ऑक्सीजन को और ये ऑक्सीजन पंप होगा थ्रू द ब्लड तो पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा कहा जाता है टू द अदर बॉडी पार्ट्स कि सिर्फ अकेला ऑक्सीजन नहीं बिकॉज ऑक्सीजन तो डिजॉल्व हो गया है हमारे ब्लड के अंदर और वो ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कि जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऐसा ब्लड तो वो ब्लड को हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम पंप करवाने का काम हमारा ये हार्ट करेगा दूसरा काम है पंप करना हॉर्मोन्स को पम्पिंग द हॉर्मोन्स एंड अदर वाइटल सबस्टेंसिस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो ये एक चीज क्लियर हो गई कि जो ब्लड है ब्लड के साथ रहा ऑक्सीजन तो वो पंप करता ही है साथो साथ ब्लड के अंदर हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं तो ये हॉर्मोन्स भी ये पंप करवाने में हेल्प करता है तीसरा उसका मेन इंपॉर्टेंट काम है कि हार्ट का जो एक कैसा रीजन है कि वो रिसीव करता है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम अमाउंट में होता है बट कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है एंड कैरिंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी एंड पंपिंग इट फॉर लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन मतलब कि हमारे हार्ट का जो एक पोर्शन ऐसा है कि उसके पास जो है वो ऑक्सीजन ना हो ऐसा ब्लड आता है मतलब कि ऑक्सीजन कम है कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और वो ब्लड जाता है हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन के लिए मतलब कि वो जो ब्लड है कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाता है एंड ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड होता है तो वो प्रोसेस को हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं कि जो लंग्स के अंदर होती है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा हार्ट है वो लंग्स की ओर ब्लड को पहुंचाए और वो भी कौन सा ब्लड कि जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और फिर चौथा काम करेगा वो हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवाने तो ये चार मेन फंक्शन आपको याद रखने हैं अबाउट द हार्ट तो अब समझिए उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में तो ह्यूमन हार्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है उसके डिवाइड करना तो यहाँ पे हम एक डिवाइड के लिए एक लाइन बना लेते हैं कि ये देखिए एक लाइन में यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हो और दूसरी लाइन में यहां पे ड्रॉ कर रहा हो या फिर यहाँ पे देखिए कि ये मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे सेम लाइक दैट ये वाला जो हार्ट है उस पर भी समझो कि हम इस तरह से ये चार ऐसे लाइन समझो कि बना देते हैं या फिर यहां से इस तरह से तो हमारा जो हार्ट है वो टोटल चार अलग अलग रीजियंस के अंदर डिस्ट सेपरेट हो जाएगा कि ये वाला एक भाग तो मैं उसको कह दूंगा राइट एट्रियम का पोर्शन सेम लाइक दैट दूसरी साइड का जो पोर्शन हम कहे सॉले राइट का ही ले लेते हैं तो ये सेकंड पार्ट कि जिसको हम राइट साइड का वेंट्रिकल का पोर्शन फिर लेफ्ट साइड जाए तो लेफ्ट साइड का ये तीसरा भाग मतलब कि लेफ्ट साइड का एट्रियम और ये चौथा भाग मतलब कि लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल तो इस तरह से चार भाग में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा हार्ट तो अब दूसरी तरीके से जानते हैं तो यहां पे आप समझिए कि हार्ट का जो है कि चार चैम्बर आपने समझ लिए कि एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। उसी तरह से ये लेफ्ट साइड का एट्रियम और लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल अब ये आप देखो तो एक दूसरे से सेपरेट कैसे होते हैं तो ये जो एक लाइन आप जो देख रहे हैं कि ये लाइन से ये पूरी एक लाइन इस तरह से और ये एक दूसरा समझो कि मैं इस टाइप जस्ट स्कीमेटिकली ड्रॉ करूं तो बीच में ये एक सेंटर लाइन पड़ती है कि जिसको सेप्टम कहा जाता है और ये जो सेप्टम है वो हार्ट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है कि एक साइड पड़ जाता है ये एल फॉर लेफ्ट साइड और दूसरा पार्ट पड़ जाता है आर फॉर राइट तो इस तरह से ये बीच में जो एक लाइन है वो उसको लेफ्ट एंड राइट दो पार्ट में डिवाइड कर देती है अब एक और एक ऐसी लाइन यहाँ पे या फिर हम ऐसा एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसको कहा जाते हैं ये वाल्व यहाँ पे देखिए ये वाल्व्स लिखे हैं तो ये वाल्व हर एक एट्रियम और वेंट्रिकल को भी एक दूसरे से अलग करते हैं राइट साइड के अंदर कि राइट साइड का ये एट्रियम आप देख सकते हैं और ये राइट साइड का ये वेंट्रिकल है तो यहाँ पे ये एक वाल्व आया हुआ है ये वाला अब ये वाल की लकीर हम समझो कि यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं तो ये वाल ने क्या किया हमारे हार्ट का जो लेफ्ट राइट साइड का जो पोर्शन था उसको और दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बिकॉज ये जो वाल थे उन्होंने एक पोर्शन राइट एट्रियम और एक पोर्शन राइट वेंट्रिकल के तौर पे कन्वर्ट कर दिया सेम लाइक दैट यहाँ पे देखिए ये भी एक ये वाला एक वाल है इस तरह से अब ये लकीर पूरी हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दे तो ये भी एक डिवीजन हो गया तो ये एक तो इस तरह से अब क्या हुआ हार्ट के तौर पर चार चैम्बर जो है वो तैयार हो गए और यहाँ पे भी ये जो मित्राल वाल देख सकते हैं ऑर्टिक वाल देख सकते ये अलग अलग वाल्स क्या करते हैं हार्ट को सेपरेट करते हैं तो इस तरह से हमारा जो हार्ट है वो चार अलग अलग पोर्शंस के अंदर जो है वो सेपरेट हो जाता है तो ये वाला आप जो नेचुरल डायग्राम देख सकते हैं, उसमें भी इस तरह से हम बीच में एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें तो भी उसके ये एक दो तीन और ये चार चार अलग अलग रीजन्स उसके बन जाएंगे तो आगे उसकी और डिटेल में एनाटॉमी सीखेंगे हम तो ये वाले डायग्राम पे आप जो है वो ध्यान रखें तो मैं जो अभी जो बीच में जो यहाँ पे एक जो लाइन है उसकी बात कर रहा था तो ये रही ये लाइन कि ये जो लाइन समझो कि ऊपर से हम जो हार्ट का लेयर निकाल दे तो अंदर हमें ये लाइन क्लियर देखने को मिलेगी कि ये लाइन ने हार्ट को ये एक राइट साइड के पोर्शन और ये एक लेफ्ट साइड के पोर्शन के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और फिर यहाँ पे यह आप देख सकते हैं कि कुछ जो ये है कि ये वाल्स बंद हो रहे हैं, कुछ बार ये ओपन भी हो रहे हैं। तो ये देखिए ये वाला वाल भी आप देख सकते हैं कि जहां पे मैं राउंड कर रहा हूं तो ये दोनों वाल पे आप जो नजर कर रहे हैं, तो कुछ सेकंड्स के लिए वो वाल ओपन हो रहे हैं, कुछ सेकंड्स के लिए वो वाल फिर से बंद हो रहे हैं तो वो वाल्स का काम क्या है कि ये ये वाले वाल्स है कि पल्मोनरी वाल्व रीजन देख सकते हैं फिर ये वाला जो वाल है दोनों वाल्स जो है वो अपना काम करते हैं प्रॉपरली और कुछ समय के लिए वो बंद होते हैं कुछ समय के लिए ओपन होते कि जिससे जब ब्लड सर्कुलेशन करना होता है तो उसमें वो हेल्प करते हैं तो इस तरह से कंटिन्यूसली जो हार्ट बीट्स जो हमारे होते रहते हैं और ये देख रहे कि ये अलग अलग आपको ये ये वाला एक चैम्बर देख सकते हैं फिर ये ऊपर के ये जो चैम्बर्स आप देख सकते हैं इस तरह से चार चैम्बर्स हाट के तैयार होते हैं और वो चैम्बर्स तैयार करने में हेल्प करता है ये बीच में जो एक सेंटर लाइन पड़ती है कि जिसको हम कहते हैं सेप्टम और ये जो होते हैं रचना कि जिसको हम कहते हैं वाल तो वाल और जो सेप्टम है वो हमारे हार्ट को टोटल चार अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड करने में हेल्प करता है तो ये डायग्राम में आप वो प्रोसेस आसानी से समझ पाएंगे तो यहां पे देखिए कि राइट एट्रियम का पोर्शन यहां पे है और नीचे की साइड जो पोर्शन है वो है राइट वेंट्रिकल का पोर्शन। तो ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोसेस आप जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसके अंदर ये हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट एट्रियम में से जो ब्लड का जो फ्लो आ रहा है वो ये जो ब्लड है राइट एट्रियम में से जाएगा यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के अंदर और वहां से ये ब्लड ये जो पोर्शन है वहां से जाएगा लंग्स की ओर की जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। उसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है वो ऑर्टा के थ्रू अलग अलग सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचता है तो कुछ सेकंड्स के लिए ये वाला वाल्व ओपन होता है ये और कुछ सेकंड के लिए ये वाला वाल्व सेम लाइक दैट ये चारों वाल्व प्रॉपर टाइम पे ओपन होते हैं और प्रॉपर टाइम पे बंद होते हैं जिसके कारण हार्ट के अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन जो है साथ जो ये जो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रिलैक्स होते हैं ऐसी प्रोसिन होती है तो उस वक्त वो जो ब्लड है वो यहाँ से ऊपर की ओर जो है वो ये वाल्व्स को ओपन करके पल्मोनरी व आर्टरी के थ्रू या फिर या फिर ऑर्टा के थ्रू अलग अलग बॉडी के रीजन की जो पल्मोनरी वाल तो लंग्स की ओर ले जाएगी बट जो है वो ब्लड को अलग अलग सिस्टमिक सर्कुलेशंस के अंदर ले जाने में हेल्प करेगा तो इस तरह से ये होता है यहाँ पे आप समझिए कि अब ये अच्छे से हम सभी पोर्सन्स को समझते हैं हार्ट्स के तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि राइट एट्रियम का जो पोर्सन है कि जो ब्लू कलर का जो जितना भी पोर्सन आप देख सकते हैं वो ऐसा है कि वहाँ पे जो ब्लड प्रेजेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है इसलिए आप देखिए जो ब्लू वाला जो पोर्शन है उसका ये जो ब्लड है वो जा रहा है लंग्स के अंदर और लंग्स में से एक्सचेंज होकर आ रहा है ये रेड कलर वाला ब्लड की जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है और वो जो ब्लड है वो ऑर्टा के थ्रू नीचे जो कैपिलरीज जो है वो टिश्यूज़ की कि जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है वहां पे जाती है तो उसके अंदर ये चार वाल्स उनका खास इन्वॉल्वमेंट रहेगा और साथ ये जो पल्मोनरी आर्टरी है एंड पल्मोनरी वेन ये दोनों का खास अच्छे से फंक्शन रहेगा जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन उनका ये काम है कि जो ब्लड है उसको फिर से पल्मोनरी आर्टरी जो है उसका मैं फंक्शन आपको बता दूं कि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी यहाँ पे हम प्रोसेस समझते हैं कि यहाँ पे मैं नंबर एक लिखता हूँ कि ये जो ब्लड है वो यहाँ पे आया फिर ये सेकंड प्लेस पे पहुंचा कि जो राइट एट्रियम में था वहां से ये पल्मोनरी सॉरी ट्राइको स्पीड वाल को ओपन करके आ जाता है ये राइट वेंट्रिकल के अंदर कि इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे नंबर थ्री फिर यहाँ से क्या होगा है नंबर चार प्रोसेस कि ये जो ब्लड है वो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंचता है लंग्स के अंदर तो पल्मोनरी आर्टरी आप यहाँ पे देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पे भी कि ये पल्मोनरी आर्टरी जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड था वो लेकर आई ये लंग्स के अंदर अब ये हमारे लंग्स उसके अंदर ऑक्सीजन एंड सीओ टू का एक्सचेंज करके जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड था वो फिर से यहाँ पे वापस भेजेंगे लंग्स के अंदर तो उस वक्त ये पल्मोनरी वेन होगी पल्मोनरी वेन वो क्या करेगी लंग्स की ओर से आएगी और ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो है वो फिल करवाएगी तो ये जो ब्लड था अब ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर फिल हो गया तो जिसको मैं लिखूँगा नंबर पांच। फिर यहाँ पे क्या हुआ नंबर पांच से कि जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड था वो आ गया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ये वाला वाल्व ओपन करके कि जिसको हम कहते हैं मित्राल वाल अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आ गया है वो आगे जाके ये ऑर्टिक वाल्व को ओपन करके ऑर्टा के थ्रू अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा किस तरह से ये ऑर्टा जो है या फिर आर्टरी जो है हमारी वो आगे जाके अलग अलग जो हमारे ऑर्गन से कि लाइक किडनी होगी तो किडनी की ओर ब्लड को ले जाएगी फिर समझो कि हमारे ब्रेन की ओर ब्लड पहुँचाना है तो ब्रेन की ओर ले जाएगी हमारे लेग से हैंड है सभी बॉडी के पार्ट तक ये फिर आर्टरी अपना ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर पहुंचेगी और सेम लाइक दैट ये जो पल्मोनरी आर्टरी से वो करेगी कि हमारे ऑक्सीजन और सी ओ टू को एक्सचेंज करवाने में हेल्प करेगी तो इस तरह से ये पूरा जो सिस्टम तैयार होता है वो हेल्प करता है कि प्रॉपर टाइम पे हमारे ब्लड के अंदर रहा ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स की तरफ भी पहुंच जाता है और वहां पे जब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है और उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो वाला जो ब्लड है वो फिर से हमारे हार्ट के अंदर आता है और वो हार्ट वो ब्लड को फिर से ऑक्सीजन वाला करने के लिए ऑक्सीजन और सीओ का एक्सचेंज करने के लिए पहुंच जाता है उसको हमारे हार्ट के अंदर अरे सॉरी हमारे लंग्स के अंदर और वो लंग्स फिर से हमारे हार्ट में भेजेंगे ब्लड को ऑक्सीजन वाला करके इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली अच्छे से चलती रहती है और ये प्रोसेस को हम कहते हैं कि ऑक्सीजन एंड सीओ टू का एक्सचेंज एज वेल एज द ब्लड सर्कुलेशन बाय द हार्ट तो अभी जो हमने समझा हार्ट के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन के उससे पहले जो आपको एग्जाम्स के लिए जो डायग्राम्स ड्रॉ करने की हार्ट की जो स्कीमेटिक डायग्राम तो हमारे पास दो ऑप्शन है ये वाला एक डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर सेकंड ये वाला डायग्राम दोनों में से जो भी डायग्राम आपको सूटेबल हो वो डायग्राम जो है वो आप एग्जाम्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा हम कलर करते हैं आप देखिए तो राइट वेंट एट्रियम जो है और लेफ्ट एट्रियम तो दोनों को आप देखिए कि ये जो मैं येलो कलर का जितना भी पोर्शन में यहाँ पे कर रहा हूं कि ये वाला येलो पोर्शन जितना हुआ सेम लाइक दैट यहाँ पे समझो कि मैं ये जितना ये लरो येलो कलर का पोर्शन कर रहा हूँ वो तैयार होगा आपके एट्रियम कि चाहे वो लेफ्ट साइड का हो या फिर राइट साइड का सेम लाइक दैट ये डायग्राम के अंदर ये राइट ऑरिकल कि जिसको एट्रियम को ऑरिकल भी कहा जाता है तो ये वाले दोनों पोर्सन की ये एक राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का अब समझो कि उसके नीचे जो रहा है वो पोर्शन है वेंट्रिकल्स के तो वेंट्रिकल्स को समझो कि हम कोई और कलर करते हैं तो वो इस तरह से दिखेंगे कि ये वाले हो गए आपके वेंट्रिकल्स कि ये जो कलर समझो कि मैं करता हूं तो ये दोनों तैयार हो गए आपके ये व वा साइड वाला राइट right वेंट्रिकल और सेम लाइक दैट ये साइड के होगा आपका लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल सेम उसी तरह से ये वाले डायग्राम के अंदर भी आप कलर कर सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये कलर उसके अंदर फील हो गया और ये वाला वेंट्रिकल तो ये जो डायग्राम में आप अच्छे से समझ रहे हैं तो जो नीचे के जो दोनों पोर्शन है उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं और ऊपर के जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं एट्रियम तो इस तरह से ये बीच में जो सेंटर लाइन है वो सेपरेट करती है एक लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में तो यहाँ पे एक अच्छे से एक पाथवे भी यहाँ पे भी हमें एक्सप्लेन किया है कि जो आप यहाँ पे देखो तो राइट right एट्रियम में से जो ब्लड आता है वो राइट right वेंट्रिकल में आएगा और वहाँ से जो देखो लिखा है कि ब्लड टू लंग्स तो ये देखो ये वाला जो समझो मैं कलर कर रहा हूं तो ये जो पल्मोनरी वेन है कि जो आप देख सकते सॉरी पल्मोनरी आर्टरी है तो ये पल्मोनरी आर्टरी ये करती है कि ब्लड को लंग्स की ओर ले जाती है और नीचे की ओर जो है वो पल्मोनरी वेन है कि वो ब्लड फ्रॉम द लंग्स और वो कहां पे लाती है ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर तो इस तरह से होता है कि इसको समझो कि हम रेड कलर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि ये समझिए कि ब्लड फ्रॉम द लंग्स तो लंग्स में से आया हुआ ये जो ब्लड है वो ये यहां पे आएगा और जो ब्लड इस सेम लाइक दैट ये जो आप यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर ड्रॉ देख रहे हैं ये डायग्राम के अंदर ये भी है पल्मोनरी वेन है और ये पल्मोनरी वेन ब्लड को यहाँ पे लाएगी और यहाँ से फिर मित्राल वाल को ओपन करके ये पहुंच जाएगी ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल में से फिर वो ये ऑर्टिक वाल को ओपन करके फिर ऑर्टा के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ओर पहुँचेगी तो यहाँ पे देखिए कि ब्लड टू द बॉडी ये भी लिखा है ये ऑर्टा का स्ट्रक्चर दिखा है एंड ब्लड फ्रॉम द बॉडी तो ये अलग अलग जैसे कोई पाइप्स होती है उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर से हमारे हार्ट के अंदर कि जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में से ब्लड को लाग के ये राइट right साइड के एट्रियम के अंदर लाएगी और वहाँ से ये वाला वाल ओपन करके वो ब्लड नीचे के राइट right वेंट्रिकल में आएगा फिर ये ये डायरेक्शन में जो है वो लंग्स के अंदर जाएगा और फिर लंग्स में से ऑक्सीजन एंड सी टू का एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजन वाला ब्लड ये वाली वेन के थ्रू ये हमारे लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल्स के अंदर एट्रियम के अंदर आता है वहाँ से वेंट्रिकल्स के अंदर और फिर ये वाला वाल ओपन करके ऑर्टा के थ्रू पहुँच जाएगा अलग अलग ऑर्गन सिस्टम की ओर तो इस तरह से ये पूरा पाथवे रहता है हमारे हार्ट के अंदर और आपको ये स्ट्रक्चर्स खास ड्रॉ करने रहते हैं एग्जाम्स के अंदर तो इसका आप स्क्रीन जो है वो ले सकते हैं ये जो कलर किया हुआ डायग्राम एज वेल एज़ आप खुद भी ऐसे डायग्राम बनाकर जरूर से ड्रॉ करिए और उसकी जो फोटो है वो हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि, कि रॉक्स का जो इंस्टाग्राम पेज है वहां पे आप हमें टैग कर सकते हैं इसका डायग्राम ड्रॉ करके और वो पेज वो आपका डायग्राम को हम जरूर से शेयर करेंगे रॉक्स के इंस्टाग्राम पे तो हार्ट का जो स्कीमेटिक डायग्राम जो अभी हमने समझा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा आ गया होगा कि हार्ट जो है वो टोटल चार चैम्बर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो आपको आप इजीली समझ में आ गया है और ये चार चैम्बर मतलब कि राइट एट्रियम वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम तो एट्रिया क्या करती है दीज आर टू अपर चैम्बर्स विच रिसीव द ब्लड अब चाहे लेफ्ट साइड का हो या फिर राइट right साइड का हो ये दोनों जो एट्रियम हमारे है कि ये दोनों एट्रियम उनका काम क्या है तो ब्लड को रिसीव करना है कैसा ब्लड रिसीव करना तो वो मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता देता हूं कि ये जो ब्लड आ रहा है बॉडी में से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में से तो ये ब्लड राइट एट्रियम ने रिसीव किया बट यहाँ पे जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो एबसेंट है तो माइनस ऑक्सीजन में लिखता हूं कि विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है माइनस ऑक्सीजन सेम लाइक दैट माइनस ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पे भी है बट लेफ्ट साइड के जो एट्रियम है वो रिसीव करते हैं ऑक्सीजन वाला ब्लड तो वो हम लिख सकते हैं कि प्लस ओ टू तो दोनों रिसीव तो करते ही है ब्लड बट ये एक डिफरेंस है कि राइट right साइड का एट्रियम के पास जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है या फिर ऑक्सीजन बहुत ही कम है जबकि लेफ्ट एट्रियम के साथ जो ब्लड है उसके अंदर काफ़ी सारे अमाउंट में ऑक्सीजन है और वो आ रहा है हमारे लंग्स में से तो इन शॉर्ट दोनों एट्रियम ने ब्लड को किया है रिसीव तो ये खास आपको एक पिन पॉइंट याद रखना है कि चाहे लेफ्ट साइड का एट्रियम हो या फिर राइट right साइड का दोनों का एक ही फंक्शन है ब्लड को रिसीव करना बट डिफरेंस ये है कि राइट right एट्रियम के पास जो ब्लड आ रहा है वो अलग अलग ऑर्गन्स की ओर से आ रहा है कि जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है और एट्रियम जो है लेफ्ट साइड का उसके पास जो ब्लड आ रहा है वो प्रेजेंस वाला है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस है सेम लाइक दैट वेंट्रिकल्स की जो लोअर चैम्बर है और चाहे वो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल हो या फिर लेफ्ट राइट साइड का दोनों क्या करते हैं ब्लड को डिस्चार्ज करते हैं डिस्चार्ज करवाना मतलब कि यहाँ पे जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल का ये यहाँ से डिस्चार्ज होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की ओर डिस्चार्ज होता है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को ये ऑर्टा के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स की ओर भेजता है तो ये दोनों जो चैम्बर्स है वेंट्रिकल्स जो नीचे के उनका काम है डिस्चार्ज करवाना ब्लड और जो एट्रिया है उनका काम है ब्लड को रिसीव करवाना इसीलिए आप समझिए कि जो टोटल चार डिवाइड होते हैं इस तरह से इसीलिए प्रॉपर वाल दिए गए हैं कि जिसके कारण ये जो ब्लड है कहीं जगह पे रिवर्स ना चला जाए और ना ही आर्टरी के जाने के बजाय वेन में नहीं जाता है और वेन में जाने की जगह आर्टरी के अंदर नहीं जाता प्रॉपर आर्टरी या वेन के अंदर ही ये ब्लड जाता है बिकॉज ऑफ दिस वाल तो हार्ट की एनाटॉमी के अंदर समझना जरूरी है उसके पाथवेज को तो यहाँ पे दो पाथवेज अचीव होते एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है एंड इज ए शॉर्ट लूप फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक अगेन तो पल्मोनरी सर्कुलेशन ऐसा है कि जो एक छोटा पाथवे है और उनका काम क्या है कि ये राइट या लेफ्ट साइड के एट्रियम या फिर वेंट्रिकल में से जो ब्लड हमारे लंग्स के अंदर जाता है वहां से वो ब्लड फिर से वापस ऑक्सीजन एंड सीओ का एक्सचेंज करवा के फिर से हार्ट के अंदर वापस आ जाता है तो उसके कारण ये जो पाथवे बनता है वो काफी शॉर्ट पाथवे होता है जिसके कारण उसको हम कहते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है और परमूनरी सर्कुलेशन इसीलिए डिजाइन हुआ है कि जिसके कारण ऑक्सीजन एंड सी ओ टू का हो सके एक्सचेंज ओ टू एंड सी ओ टू का एक्सचेंज की जो हमारे लंग्स करवाते हैं उसी के लिए यह पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन कि कैरी करेगा ब्लड को हार्ट में से टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अगेन बैक टू हार्ट और ये सभी के लिए उनके हेल्प करेगी ये पल्मोनरी वेन पल्मोनरी आर्टरीज़, राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स और उसी तरह से लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरीकल, सिस्टमिक वेन्स ऑर्टा एंड सिस्टमिक आर्टरीज़ और ये ब्लड कैपिलरीज़ फिर वाल को समझना जरूरी है टोटल चार अलग अलग टाइप के वाल्स से तो वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इसीलिए हम जो वाल्व्स वगैरह है वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि जो टोटल चार वाल्व्स जो प्रेजेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे अबाउट द ह्यूमन हार्ट तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है और किस तरह से ये वाल्व्स ओपन होते हैं और बंद होते हैं और हेल्प करते हैं ब्लड सर्कुलेशन के अंदर और जानेंगे कि किस तरह से प्रॉपर ये प्रोसेस जो है वो अचीव होती है तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप को और वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं आप स्टडी मटेरियल को अफोर्डेबल प्राइस के अंदर की जो यूज़फुल है सभी एग्ज़ाम्स के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप्स एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल Test series and video lecture on F Farmer Ox. So good luck and all the best.